कभी हिस्सा रहा आंध्र प्रदेश का, नवाबी दौलत रखने वाला ये राज्य ना केवल अपने आर्किटेक्चर के लिए बल्कि अपने कला प्रेम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ फिल्मों के प्यार के अतिरिक्त प्यार पलता है कला के प्रति, पेंटिंग्स के प्रति भी। आज बात करेंगे राज्य तेलंगाना की और यहाँ की चेरियल स्क्रोल पेंटिंग्स की। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग्स का रिश्ता वारंगल डिस्ट्रिक्ट के चेरियल गाँव से है। यहाँ पर ये पेंटिंग नरेटिंग फॉर्म में की जाती है। छोटा सा एक स्क्रोल फॉर्म होता है जिसपे पूरी की पूरी कहानी कही जाती है। इन पेंटिंग्स के इतिहास की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में ही इसके बीज बो दिए गए थे, लेकिन 16वीं सदी के आसपास, लगभग 1625 के आसपास इन्होंने आकार लेना आरंभ किया था। खादी के कैनवस पर ही बनाई जाती है और खादी के इस कैनवस को बनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके ऊपर व्हाइट मड, गम, चौक, टेमेरिन सीड का पेस्ट लगा करके उसे तैयार किया जाता है और उसे बड़े बोल्ड लाइन के साथ में उसके ऊपर चित्र उकेरे जाते हैं। बेस को वाइब्रेंट कलर रेड और इनसे बनाया जाता है। और वास्तव में मैं आपसे कुछ अलग बात, अलग शब्दों में कहूँ तो ये चलते फिरते सिनेमा थिएटर थे। इन चेरियल स्क्रोल पेंटिंग में पूरी कहानी स्क्रोल की तरह बताई जाती थी जिसके साथ नरेटर होता था। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला की कहानियों के अलावा फोक टेल्स भी इनके अंदर बताई जाती थी। 12वीं सदी की काकातिया पेंटिंग से ये पेंटिंग्स कुछ समानताएं रखती हैं और पिल्लामरी और त्रिपुरानाथ के मंदिरों में इन्हें आज भी देखा जा सकता है। वैसे ये आर्ट फॉर्म थोड़ा फेड जरूर हो रहा है, लेकिन अगर आप अगली बार दक्षिण में तेलंगाना में हैदराबादी बिरयानी का स्वाद ले रहे हो तो चेरियल स्क्रोल पेंटिंग पे नरेटिंग स्टोरीज जरूर देखिएगा। मुझसे मिलने यहाँ फिर मिलिएगा शनिवार के दिन। आर्टिस्ट प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट। तब तक गुड बाय।